ठीक है, इसमें मेडिकल में भी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है, और 5 नंबर टॉपिक इसमें से भी आता है जी। ठीक है, तो हम बता रहे थे आपको कल कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक को डील किए थे और शुरुआत भी कर चुके थे इसमें कुछ कुछ, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ा था उस सबको लेकर के चल देंगे जी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जब बात करना शुरू करेंगे तो इसमें हमने कहा था 4 टॉपिक हम लोग को डील करना है। ठीक है, या यू कहें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, इसमें एक जो है टेस्टिस, पेयर टेस्टिस आएगा, और उसके बाद हमने कहा था आपको कि इसी में आपको एक टॉपिक और आएगा, मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी एसेसरी डक्ट, है ना। और उसके बाद हमने कहा था आपको इसी में आएगा मेल एसेसरी ग्लैंड, हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा ये दोनों टॉपिक, डक्ट क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है। उसके बाद चौथा टॉपिक रहेगा आपको मेल एक्सटर्नल जेनिटिला, मेल एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटिला। तो हम लोगों ने डील करना शुरू भी कर दिया था आपको, है ना, मेल एक्सटर्नल जेनिटिला। और इसमें हम लोग बता दिए कि इसमें पेनिस टॉपिक आएगा जी। ठीक है, मेल एक्सटर्नल बाहर की ओर से दिखने वाला ऑर्गन, जैसे हम लोग मेल फीमेल डिफाइन करते हैं जी। ठीक है, तो जेनिटिला आपको क्या है, मेल में पेनिस होता है जी। और हम लोग इसमें भी सबसे पहला टॉपिक पे ध्यान दिए थे, टेस्टिस पे हम लोग ध्यान देना बताना शुरू किए थे जी। ठीक है, टेस्टिस एक तरह का क्या है, आपको पुल्लल वर्ड है, इसी का एक सिमिलर वर्ड है आपको टेस्टस, ये दोनों स्पेलिंग सही है, लेकिन ये आपको पुल्लल है, दो को लेंगे तब ये, या एक वन के बार करेंगे तो ये वाला। हम आपको कल बता रहे थे कि हम लोग में जो ह्यूमेन होता है, ठीक है, मेल होता है, उसमें एब्डोमिनल कैविटी जो देखते हैं जी, है ना, एब्डोमिनल एब्डोमिनल कैविटी होगा, और एब्डोमिनल कैविटी में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो एब्डोमिनल कैविटी में ही किडनी के पास टेस्टिस होता है जी। आपको टेस्टिस कहाँ दिखा देता है, किडनी के पास, लेकिन एक खास प्रोसेस के जरिए वो कहाँ पहुंचता है, जैसे स्क्रॉटम सैक के अंदर पहुंचता है, एक खास प्रोसेस के जरिए एक सैक में पहुंचा जिसका नाम क्या आपको स्क्रॉटम, यहाँ पहुंच जाता है दोनों टेस्टिस, है ना। और साइज लेंथ कल हम बता दिए थे आपको, ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये आपको एक खास तरह के फ्लूड में रहता है जिसका नाम स्क्रोटम फ्लूड कहलाता है, या है ना, इसमें मतलब स्क्रोटल फ्लूड के नाम से बुलाते हैं, शॉर्ट एंड जर्क से ये बताएगा। और हमने कल बताया था कि स्क्रोटम में क्यों आता है टेस्टिस, है ना, इसका नाम कर रखे थे हम लोग स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर में ए पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, एक्चुअली में रहता है किडनी के पास, लेकिन आ कहाँ जाता है बाद में आ जाता है आपको स्क्रोटम के अंदर में जी। ठीक है, और हमने कहा था कल कि जब टेस्टिस जो देखते हैं सर, ठीक है, ये ओवॉइड कलर का होता है, ये सॉरी ओवॉइड शेप का होता है ना, और ये है ना स्क्रोटम की दीवार से एक खास तरह के टिश्यू से चिपका होता है जी। इस खास तरह के टिश्यू का नाम जुबर्नाकुलम के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा, जुबर्नाकुलम, ये जुबर्नाकुलम के जरिए आपको ये चिपका होता है जी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है सर, कि स्क्रोटम और आपको एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक केनाल होता है सर, ये जो केनाल देखते हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इनगुनल केनाल के नाम से बुलाते हैं जी। इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, इनगुनल इनगुनल केनाल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, ये एक टर्म आएगा, ठीक है, इनगुनल केनाल, जो क्या करता है आपको, है ना, एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम के साथ जोड़ता है जी। ये बहुत हाईली रिड्यूस होता है, ये मत समझना कि बहुत लंबा लेंथ में होगा, मात्र 1 से 2 सेंटीमीटर की आपको लंबाई में होता है जी, 1 से 2 सेंटीमीटर का ये होता है जी। ठीक है, फिर से एक बार फोटो आप देखिए, एब्डोमिनल कैविटी ये हुआ, एब्डोमिनल कैविटी मतलब बॉडी का पार्ट हुआ, है ना, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, है ना, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है बाहर की तरफ से, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिए थे हम लोग, स्क्रोटम के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी से आपको आपको अटैच कैसे रहता है स्क्रोटम, स्क्रोटम है ना एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहता है इनगुइनल केनाल की मदद से, ये अटैच रहता है जी। ठीक है, और हमने ये कहा था कि इस दोनों के अंदर में क्या था, वन पेयर टेस्टिस होता है जी। ठीक है, और टेस्टिस सेपरेटेड होता है सर, टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस का दो काम है, टेस्टिस का काम है एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना, और दूसरा क्या है सर आपको, ये आपको एक काम करता है सर, आपको स्पर्म का प्रोडक्शन करने में भी ये मदद करता है जी। ठीक है, दो काम है इसका, एक है स्पर्म प्रोडक्शन करता है, और दूसरा क्या है सर आपको, है ना, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना करके ये देता है जी। ठीक है, और है ना स्क्रोटम से क्या होता है सर, एक पाइप आपको निकल रहा होता है जी। ठीक है, और ये पाइप ही स्पर्म को लेकर के जा रहा होता है जी। कॉमन सेंस लगाओ कि सर ये टेस्टिस है, ये सेल सब है,
सेल्स आपको खाना पीना चाहिए होगा ना, वो खाना पीना के लिए ब्लड पाइप सब चीज इसी रास्ते से इसमें आएगा जी, ठीक है। मतलब हम लोग जो कल देख रहे थे आपको कि है ना, ये सब कल के क्लास में बात किए थे, वीडियो भी डाला अपना देख लीजिएगा है ना, स्क्रोटम क्यों बनता है, ठीक है, और ये आपको क्या करता है कल हम बताए थे। पर अभी आज उससे आगे बढ़ रहे हम लोग है ना कि टेस्टिस है ना आपको दो काम करता है, एक हार्मोन बनाता है और दूसरा क्या आपको स्पर्म का प्रोडक्शन करने में मदद करता है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू क्या आया था कि सर टेस्टिस एक टिश्यू है तो उसको तो कोई ब्लड सप्लाई चाहिए ना, उसको कोई ना न्यूट्रिशन सब तो चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए ब्लड सप्लाई भी इसी रास्ते से जाता है सर। और सर ये ब्रेन से कंट्रोल होता है ना, हार्मोन से कंट्रोल होता है या न्यूरॉन से भी तो कंट्रोल होता है, चोट वोट लगने का एहसास कराना या कुछ केमिकल बनाना, तो इसी के लिए नर्व तार भी न्यूरॉन के तार सभी भी आते हैं जी। मतलब इनगुइनल केनाल कोई हॉलो पाइप नहीं है, इनगुइनल केनाल के रास्ते बहुत सारे नर्व वेसल्स बहुत सारे डक्ट सब जा रहे होते हैं जी, ठीक है। फिर से एक बार मिटा के बताते हैं, हम बताना चाह रहे थे क्या टेस्टिस से स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म को ले जाने के लिए एक पाइप होगा, ठीक है, जो आपको पेनिस के रास्ते से बाहर निकलेगा। फिर दूसरा क्या है सर, आपको इसमें खाना पीना पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल सब होगा। फिर इसी में सर आपको न्यूरोन सब होंगे, न्यूरोन जो है ना फील को बताएगा, मतलब टेस्टिस के अंदर में कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इस सारे नर्व के सारे सारे तार को सारे पाइप को एक साथ क्या नाम देती हो आप, स्पर्मेटिक कोड के नाम से लाते हैं, स्पर्मेटिक कोड। देखिए अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है उसको समझाना होगा तो ये कह सकते हैं बहुत सारा तार है उसके एक साथ हम लोग उसको नाम देते हैं स्पर्मेटिक कोड। जैसे आप टेलीफोन सबका तार देखते थे ना एक जमाने में, उसमें बहुत सारा तार रहता था, ठीक है, या आप कभी ऐसा भी देखिएगा कि बहुत सारे तार लपटाए होते हैं, तो ऐसे तार सबको एक साथ कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मेटिक कोड क्या मतलब कि सर आपको इनगुइनल केनाल के रास्ते से बहुत सारे है ना वेसल्स, बहुत सारे नर्व फाइबर्स, बहुत सारे ब्लड पाइप जा रहे होते हैं सर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्मेटिक कोड। ये भी एक छोटा सा टर्म है, देखो ये आपको कहीं पूछ दे सीबीएसई वाले से कि स्पर्मेटिक कोड किसे कहते हैं, तो आप डिफाइन कर सकती हो स्पर्मेटिक कोड है ना जी, ग्रुप्स ऑफ है ना, ग्रुप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड ब्लड वेसल्स है ना कॉमा, आपको डक्ट एंड नर्व फाइबर्स है ना, फाइबर्स आर ग्रुप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है ना, डक्ट डक्ट्स है ना एंड नर्व फाइबर है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्मेटिक कोड विच फाउंड इन इनगुइनल केनाल, जो कहाँ पाया जाता है, विच फाउंड इन इनगुइनल केनाल है ना, ये इनगुइनल केनाल में पाया जाता है जी, ठीक है। ये सब बातें हम आपको बताना चाह रहे थे कल, ठीक है, ये सब आपको हम लोग कल डील कर रहे थे जी, ठीक है। तो हम लोगों को आज का क्लास क्या है कि आज की क्लास में हम लोगों को ये जानना है कि सर टेस्टिस को जूम करके देखें, बड़ा करके देखें तो ये कैसा दिखता है, और इसको कट करके देखेंगे तब कैसा दिखाई देगा, ठीक है। एक आज का क्लास ये होगा सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस है ना जी, एक टेस्टिस को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसका साइज बड़ा करके उसको काट करके आपको दिखाया जाएगा कि उसके अंदर में क्या क्या चीज होता है। अभी हम लोग टेस्टिस ही पढ़ रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये सबसे बिहार बोर्ड में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आने का चांस रखो, नहीं तो इसमें सब्जेक्टिव अभी कुछ नहीं है। तो हम बताना चाह रहे थे क्या टेस्टिस जो देखते हैं है ना, इसको बड़ा करके इसको साइज में आपको डील करते हैं जी। तो उससे पहले एक दो तीन बात और कर लेते हैं हम लोग, एक एक्स्ट्रा ही है वो भी, कहीं पूछ देगा तो बताइए, कहीं हो सकता है। देखिए अगर कोई प्राइवेट रीजन में इन्फ्लामेशन होता है ना, या प्राइवेट रीजन में कोई आपको चोट उट लगता है और उससे कोई ये पाइप सब खराब हो जाता है, इसको हर्निया बोलते हैं, ज्यादातर बूढ़े लोगों में सुनते होंगे हर्निया डिजीज, ठीक है। हर्निया में क्या होता है कि है ना प्राइवेट रीजन में कोई स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, एक पॉइंट समझिए हम लोग क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर से अभी इसी पे टेस्टिस का भी अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमने ये कहा कि एब्डोमिनल कैविटी है और ये इनगुइनल केनाल है, और इसके बाद क्या देखे थे हमने, स्क्रोटम देखा था, और स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्पर्म को सॉरी टेस्टिस को मेंटेन करके रखना, उसको टेम्परेचर देना 35 से है ना आपको 34.5 डिग्री सेल्सियस ला के देता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके जी, ठीक है। ये सब कल हम बता रहे थे आप लोगों को, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है आज का कि सर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग क्या होता है कि बेल्ट नहीं पहनते हैं, ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी को और पेल्विक कैविटी को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है जी, ठीक है। मतलब हमेशा लूजर ही या कुछ नॉर्मल ही आपको है ना आपको पैंट वगैरह पहनते हैं, तो उसको एक प्रॉब्लम होता है सर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हम बताते हैं,
होता क्या कि आपको ये आपको डाइजेस्टिव ट्रैक होगा ना, एब्डोमिनल कैविटी ना, ऐसा नाम रखे थे, डाइजेस्टिव ट्रैक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपको लंबाई होता है 6 मीटर के आसपास देखते हैं या 4 मीटर के आसपास का स्मॉल इंटेस्टाइन का लंबाई होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लूप होता है ना, लूप, ये लूप क्या करता है सर, आपको इस रास्ते में होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है, ठीक है। मुद्दा ये है कि कोई आदमी अगर एक गुड प्रैक्टिस जैसे ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिससे एब्डोमिनल कैविटी और है ना जी, और आपको यानी कि पेल्विक कैविटी सेपरेट रहे जी, ठीक है, या ऐसे बेल्ट लगाना चाहिए ताकि दोनों के बीच में बैरियर हो। लेकिन ज्यादा फैटी सब्सटेंस है, कुछ ऐसा हो जाता है जब ए जाने के दौरान क्या होता है, ये आपको लूप जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप है ना, इनगुनल किनाल में चला जाता है, इनगुनल किनाल के अंदर में ये चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। इसमें आप याद कीजिए, इसमें क्या सब था, इनगुनल किनाल में ब्लड पाइप सब था ना, और आपको क्या था, डक्ट वगैरह सब था ना। इमेजिनेशन करो कि एक ऐसे गली से आप गुजरना है जहां पे बहुत सारा पानी का पाइप है, और उसमें पैर रख दीजिएगा, पानी का पाइप थोड़ा सा प्लास्टिक कम कमजोर वाला प्लास्टिक बना हुआ है, तो क्या होगा, सप्लाई रुक जाएगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सर किसी कारण बस है ना, कारण क्या हम बता ही दिए, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में अगर कोई बैरियर ना हो, जैसे बेल्ट लगाने से एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बहुत लोग तो बहुत ज्यादा ही कमर के नीचे आप कपड़ा पहनने लगे हैं, तो उससे और दिक्कत ही है। लेकिन एक्चुअली में अगर बेल्ट अगर कमर और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में मतलब लगाया जाए, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप नीचे नहीं आता है, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप नीचे क्यों आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप जो नीचे क्यों आता है सर, तो ब्लड सप्लाई जो हो रहा है सर, ये ब्लड पाइप सब जो है उस पर आपको ये ब्लॉक कर देगा जी। अब ब्लड सप्लाई हो जाएगा, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करेंगे तो इमेजिनेशन कीजिए कि टेस्टिस को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, जब टेस्टिस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसका प्रोडक्शन नहीं घट जाएगा, जो काम कर रहा था वो काम में इसकी कमी आना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सच एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पाएगा, सच एज स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। कुछ जा रहा जी, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन कम इन टू द इनगुलन किनाल है ना जी, लूप ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो होता है ठीक है, कम इन इनगुलन किनाल है ना, इनगुलन इनगुलन किनाल विच ब्लॉक व्हाट, ब्लॉक स्पर्मेट, दिख रहा है जी फोटोग्राफ, विच ब्लॉक स्पर्मेटिक कोड, विच ब्लॉक स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा सर। ऑब्वियसली उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगा ना, उस कॉम्प्लेक्सिटी को कहते हैं इनगुनल हर्निया, इनगुनल हर्निया। हर्निया बहुत सारे टर्म में आता है जी, ठीक है, बूढ़े लोगों में ज्यादातर देखोगे हर्निया का पेशेंट, या हर्निया होता है प्राइवेट रीजन में कोई चोट वोट लग गया तो डॉक्टर उसको रिपोर्ट करता है इसको एक हर्निया प्रॉब्लम है। अब फिर हर्निया में किस तरह प्रॉब्लम है, इनगुनल केनाल वाला प्रॉब्लम है। तो इनगुनल हर्निया कैसे होता है, ड्यू टू द स्मॉल इंटेस्टाइन के है ना ज्यादा बड़ा हो जाने के कारण, या स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर की ओर आ जाना, किसके अंदर, तो ये आपको लूप के अंदर में आ जाता है, इस वजह से इसको इनगुनल हर्निया देखने को मिलता है जी, ठीक है। पॉइंट क्या है सर, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ओनली बाय सर्जरी है, ओनली बाई सर्जरी, सर्जरी से ही इसको डॉक्टर ठीक कर सकते, इसका कोई दवा नहीं है। इसलिए कभी सुनते हैं हर्निया का ऑपरेशन हुआ, मतलब क्या कि सर डॉक्टर इसको क्या किया, चीरा लगा करके यहाँ से और इसको उठा के आगे कर दिया, काट कुट नहीं करेगा कुछ, बस इसको उठा करके आगे करना है, बस इतना ही, फिर होगा भविष्य में तो फिर आ सकता है, डॉक्टर उसको बताएगा नहीं कि भाई ऐसा बेल्ट वगैरह लगाइएगा तो ठीक रहेगा। तो सर ये कुछ इजी ऑपरेशन है, चीरा लगा के इंटेस्टाइन नहीं काटा जाता है, एब्डोमिन में चीरा लगाएगा इसको आगे की ओर धकेल देगा जी, और कुछ दिन में उसको आदमी को राहत महसूस होने लगे, ठीक है। तो इनगुलन हर्निया भी हम आपको समझा दिए, अब आइए अब हम लोग टेस्टिस पे बात करते हैं, या एक बार नए स्टूडेंट क्या हुआ, हर्मीना है, हर्निया बोले थे, हर्निया देखो रहे नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में सब बात लिखे हुए हैं सब, ठीक है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आप लोग डील करते हैं, ठीक है, डील क्या होगा एक बार रिवाइज कर देते हैं। कल की क्लास से हम बोल रहे थे कि ह्यूमन बींग में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है सर। व्हाई वी कॉल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है ना जी, कभी भी है ना आपसे इसी बुक में कहीं भी लिखा होगा कि टेस्टिस को और ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो गैमिट बनाता है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखो ये नीट पूछ सकता है तुमसे, व्हाई टेस्टिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अभी तुम लोगों को बताया टेस्टिस का दो काम है, एक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना और एक क्या स्पर्म का बनाना जी, ठीक है। तो एक्चुअली में ये करता क्या है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किस वजह से नाम पड़ गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपको टेस्टिस है ना, व्हाई सर, बिकॉज मेक गैमिट, बिकॉज मेक स्पर्म, ये स्पर्म बनाता है,
इसलिए इसका नाम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पड़ गया जी, गैमिट बनाने की वजह से पड़ा है, टेस्टोस्टेरोन बनाने से नहीं। तुम लोग जब हार्मोन चैप्टर जो पढ़ रही हो दिन में ना 10 बजे में, उसमें जब बताएंगे किडनी से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जी, ठीक है, मतलब किडनी से भी टेस्टोस्टेरोन हमें, तो उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थोड़े कह देंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे? टेस्टोस्टेरोन। व्हाई? बिकॉज मेक स्पर्म। समझ में आ रहा है हम कहना चाहे? ये बात ध्यान रखना, ये बात कहीं पे लिख भी लो या नहीं तो एनसीईआरटी में ढूंढोगे ना, ये लिखा हुआ है कहीं पे एनसीईआरटी बुक में जी, ठीक है। तो हम आपको रिवाइज कर रहे थे, हम कह रहे थे क्या टेस्टिस है और टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और दूसरा क्या है सर आपको? सर टेस्टिस जो है ना सर आपको लोकेटेड इन है ना, आपको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन स्क्रोटम सैक व्हिच इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है ना। एक्चुअली में है ना सर आपको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम सैक के अंदर में टेस्टिस क्यों पाया जाता है? तो क्योंकि उसको स्पर्म प्रोडक्शन करना है, और स्पर्म प्रोडक्शन करने के लिए 2 से 5 डिग्री सी बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है जी, तभी वो स्पर्म प्रोडक्शन कर पाएगा। तो हमने कहा था कल कि बॉडी टेम्परेचर 37 होता है और स्क्रोटम का टेम्परेचर 34 से 35 के डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है जी, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि आपको कि सर टेस्टिस जो देखते हैं है ना, ये आपको है ना एक स्क्रोटम जो देखते हैं एब्डोमिनल कैविटी से खास पाइप से जुड़ा होता है, उस पाइप का नाम क्या था? इनगुइनल कैनाल। दैट इनगुइनल कैनाल कंटेन लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल एंड स्पर्मेटिक सॉरी एंड आपको भाषा डिफरेंस, भाषा डिफरेंस क्या होता है? स्पर्म को ले जाने वाला पाइप होता है जी, ठीक है। ऑल आर अलोंग विद है ना, सबको एक साथ क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटिक कोड के नाम से रहते हैं। इनगुइनल कैनाल के अंदर में बहुत सारे नर्व फाइबर, ब्लड पाइप और डक्ट होते हैं सर, उस सारे चीजों को मिला के स्पर्मेटिक डक्ट कहते हैं। और स्पर्मेटिक डक्ट कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक किसकी वजह से होता है? इंटेस्टाइन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। और इंटेस्टाइन की वजह से ब्लॉक होगा सर तो ये इसको क्या होगा सर, आपका स्पर्म प्रोडक्शन में और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में दिक्कत होगा जी, ठीक है। एक बार फेज 3 का कहानी है, फेज 3 मतलब क्या बॉलीवुड सबका नहीं कहानी होता है, उसमें बता रहा था कि बॉलीवुड में ना शाहरुख खान को भी एक बार है ना इनगुइनल हर्निया हो गया था जी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा कमेंट सब बनता था उस जमाने में, ठीक है, आज की बात नहीं है, कम से कम 15 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उसमें हम बता रहे थे कि आपको कि उसको एक प्रॉब्लम क्या चल रहा था, हर्नियल प्रॉब्लम था, इसको ऑपरेशन करके ही ठीक किया जा सकता है जी, ठीक है। लेकिन किसी को हर्निया हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सर वो स्टराइल हो गया है, ये आपको नहीं, वो आपको स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर कम कर रहा है, सो बोले थे है ना, क्लियर हुआ जी। टेस्टिस भी है ना आपको कम काम कर रहा है जी, ठीक है, बस ये बताया जाएगा। जैसे हर्निया प्रॉब्लम दूर हो जाएगा तो फिर से वो पर्सन क्या हो जाएगा, नॉर्मल डे में वापस आ जाएगा जी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों पे मतलब बहुत सारे लोगों को जब हर्निया होता है तो उसको इम्पोर्टेंस मान लिया जाता है या है ना स्ट्राइल मान लिया जाता है। तो शाहरुख खान पे भी ऐसा ही कुछ बन रहा था, ठीक है, शाहरुख खान है ना मतलब पेशेंट था इसका, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ कि एक फिल्म आई थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, ओम शांति ओम, देखा नाम सुना है? ओम शांति ओम फिल्म का नाम था, यस सर, बहुत बार देखा। हाँ तो ठीक, तो ओम शांति ओम है ना, वो जो फिल्म जो आया था ना, तो शाहरुख खान उसमें 6-पैक ऐप बनाया हुआ था जी। और 6-पैक ऐप जो है सिर्फ लड़कों में ही बन सकता है, लड़कियों में 6-पैक ऐप नहीं बन सकता, और वो भी उसी में बन सकता है जो मेल होगा, मतलब स्टाइल में नहीं बन सकता है, कोई स्टाइल पर्सन है उसमें 6-पैक नहीं बन सकता है जी, ठीक है। तो ये उसी फिल्म में शाहरुख खान सबसे पहली बार शॉट हटाया था जी, ठीक है, मतलब चेस्ट और अपने 6-पैक ऐप को शो किया था, ताकि वो लोगों को साबित कर देगा कि वो अभी भी मेल है, मतलब स्टाइल नहीं है। दिमाग लग रहा हम क्या समझाना चाहे? तो एक पॉइंट है कि 6-पैक ऐप भी लड़कों का खासियत होता है और ये मेल होने का संकेत भी देता है जी, ठीक है, समझा रहा हम कहना चाहे? तो इस तरह से हम लोग मैंने 6-पैक बनाने से, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, लड़के तो सब 6-पैक बनाती है, कुछ लड़कियां सब 6-पैक, कुछ लड़की लोग भी 6-पैक बनाती है स्टेरॉइड हार्मोन लेकर के, वो एक ड्रग्स लेकर के ऐसा करती है, ठीक है। फीमेल्स अभी कुछ एथलीट सब होती है तो उस समय स्टेरॉइड के वजह से सबके साथ ऐसा हो जाता है ना। हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, बोले थे ना कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है ना। आज दिन में जो 10 बजे मिलेंगे ना तो किडनी पढ़ाएंगे ना, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाएंगे और एड्रिनल ग्लैंड में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। लड़कियों में भी कभी कभी लड़कों वाला फीचर आ सकता है ना जी, ये जस्ट बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है ना जी, है ना, इसको सेक्सुअल वेस्टिलेट के नाम से बुलाते हैं जी, बात करेंगे सब पे भी, समझा ना। तो वो केस है ना एक एबनॉर्मलिटी होता है, सारी लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है, पहले पढ़ रहा है। तो उसके बाद हम आपको बता रहे थे कि आपको कि अब हम लोग का क्लास कहाँ पे आ गया है, अब हम लोग का क्लास आया है टेस्टिस को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे सर, और इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे। पहले हम लोग स्क्रोटम का फोटोग्राफ बनाए, ये एब्डोमिनल कैविटी था, स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस होता है और ये कंपार्टमेंट वाइज अलग होता है, इस टेस्टिस को बाहर निकाला जा रहा है और इसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है, मतलब इसको ऐसे ला करके इसको बड़ा करके काट करके दिखाया जा रहा है जी, ठीक है, इमेजिनेशन हो रहा है जी। और इसको आप सेक्शनल व्यू कहिएगा, सेक्शनल व्यू मतलब क्या,
ऐसे कोई लड़का नहीं कहेगा कि ऊपर से नीचे काट रहे हैं सर आप, इसको बस ऐसे काट रहा है कि आपको समझ में आ जाए। मतलब अगर आप ऐसे रख के देखिएगा ना तो टीएस व्यू होगा, मतलब इस तरह से काटिएगा इसको, मतलब टीएस व्यू कहेंगे जी, ठीक है, या ऐसे काट रहे तो क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू कहेंगे। टेस्ट इसको इस तरह से काटा गया कि सर अंदर का कंपार्टमेंट सब देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। जब हम टेस्टिस को देखते हैं सर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा जी, ओवल शेप है, इस तरह से सेक्शनल व्यू है जी, नीचे या साइड में हम लिख देते हैं, ये काट करके देखा गया व्यू है, सेक्शनल व्यू के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं जी, ठीक है। टेस्टिस का सर, टेस्टिस का जब सेक्शनल व्यू देखते हैं, चला दो पीछे ला, चला दो, हाँ। हम लोग क्या देख रहे थे कि जब टेस्टिस को देखते हैं, टेस्टिस में क्या देखते हैं, इसमें आपको तीन लेयर होता है जी, ठीक है, इसमें क्या देखते हैं हम लोग, थ्री लेयर होता है। एक क्या देखते हैं हम लोग, सबसे बाहर का लेयर देखते हैं, है ना, और उसके बाद एक मिडिल लेयर होगा और एक सबसे अंदर का लेयर होगा जी, ठीक है। टेस्टिस को जब देखा जाता है इसमें थ्री लेयर होता है, तीन लेयर से टेस्टिस कवर होता है, तीनों का नाम जानेंगे, लेकिन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बीच वाला है जी, इसका नाम है ट्विनिका अल्बुजिनिया, ट्विनिका अल्बुजीना। कितना मिनट रह गया जी, देखो तो, हेलो, अभी है सर 8 मिनट, कितना कितना है, सात 8 मिनट, सात 8 मिनट है। तो टेस्टिस को जब देखते हैं सर, इसमें तीन लेयर होता है जी, ठीक है, एक है आपको ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा, इसका देख लेंगे नाम, दो नाम और भी है, इस सब का नाम भी है जी, ठीक है। टेस्टिस में हम लोग क्या देखते हैं, है ना जी, तीन लेयर होता है, सबसे मेन लेयर बीच वाला है जी, ये मिडिल लेयर है, इसका नाम क्या सर आपको, ट्यूनिका एल्बुजिना जी, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जो देखते हैं, ये मिडिल लेयर होगा और एक आउटर लेयर होगा, एक क्या होगा सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा जी, ठीक है। और जब आप टेस्टिस के अंदर में जाके देखते हैं सर, इसमें एक कंपार्टमेंट हो रहा है, जैसे कभी बैटरी को खोल खाल के देखते हैं ना जी, बैटरी मतलब क्या, वो जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है, उसमें बहुत सारा सेक्शन बना होता है, ऐसे करके बहुत सारा आपको सेक्शन बना हुआ दिखाई देगा जी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग जब देखेंगे सर टेस्टिस के अंदर में, तो इसमें भी बहुत सारा सेक्शन आपको ये बना होता है जी, ठीक है, ये ऐसे करके बहुत सारा आपको सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा जी, ठीक है, दिमाग लगाएगा सब आदमी। ऐसे करके जो सेक्शन बनाते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से इसको बुलाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक बार क्या करो, कट करके फिर से ज्वाइन करो, तो हम इसको एक बार और इसको देख के बताते हैं, इसका दोनों लेयर भी देख लेते हैं हम तब तक में। एक बार कट करिए, तो कट करके फिर से ज्वाइन कीजिएगा, कट करके फिर से ज्वाइन करना है, एक मिनट में मारा है। आवाज आ रहा है, हेलो, यस सर, अभी कुछ देर पहले गाना बज रहा था। होगा कोई डीजे में ऐसा, सुबह सुबह हम भी सुने थे। अच्छा यस सर। मिनट को बस, और चलिए लोग बता रहे थे क्या, टेस्टिस में आपको तीन लेयर होता है, ठीक है, आउटर थ्री लेयर होता है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है सब लोग ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजेनलेसिस के नाम से रहते हैं,
हेजेनलिस, और सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसका नाम क्या होता है सर? आपको ट्यूनिका लिखो, ये नहीं लिखा होगा नोट्स में भी, ट्यूनिका, वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा, या इसी का नाम वेस्कुलरिस भी है, वेस्कुलरिस। इस चैप्टर में आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए, है ना, कहीं आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तो या रहेगा, ठीक है। तो टेस्टिस में हम लोग क्या देखते हैं, थ्री लेयर होता है, एक आउटर मोस्ट लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है, और एक सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। आउटर इनर मोस्ट लेयर लेयर का का नाम क्या क्या नाम आपको? रखेंगे? ट्यूनिका अल्बुजीना, यहाँ लिखा हुआ ना, ट्यूनिका अल्बुजीना, इनर इनर वाला इनर का है, इनर का वेस्कुलोसा या वेस्कुलरिस। वेस्कुलरिस का मतलब ब्लड सप्लाई, है ना, वेस्कुलरिस। तो ये तीन लेयर से टेस्टिस कवर होता है जी, ठीक है। टेस्टिस को जब हम लोग देखते हैं उसका जब सेक्शनल व्यू देखेंगे उसमें थ्री लेयर होगा जी, ठीक है। ठीक से बैठो, वैसे नहीं बैठा रहता। चकी भाया सर। जैसे ये पंखा चला दे, चला दे, ठीक है। तबियत तो हम बता रहे थे आप लोगों को क्या, कि जब हम लोग टेस्टिस को देखते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को थ्री लेयर दिखाई देता है जी, ठीक है। उसमें हम लोग जो देखते हैं थ्री लेयर होता है, सबसे आउटर जो लेयर होता है ना, सबसे आउटर लेयर का नाम अभी हम बोल रहे थे आपको सिलिका, है ना, भेजेनालिसिस के नाम से बनाए थे हमको, यही दो स्पेलिंग भी से उसी में कंफ्यूजन रहता है, कौन आगे खाते हैं। अभी हम देख लिए हैं, ये आपको होता है ट्यूनिका, ट्यूनिका वेजेनालिसिस, सॉरी ट्यूनिका, हाँ सही से कह रहे थे, वेजेनालिसिस, वेजेनालिसिस। और एक बीच का जो लेयर होता है उसका नाम क्या सर आपको? ट्यूनिका अल्बुजीना, ट्यूनिका अल्बुजीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होता है उसका नाम क्या था आपको? ट्यूनिका वेस्कुलरिसिस या वेस्कुलोसा, वेस्कुलरिसिस कहिए या वेस्कुलोसा के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ट्यूनिका वेस्कुलरिस, या आप इसका एक और नाम दे सकते हैं वेस्कुलोसा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मेरा आपका ना क्या है कि जब टेस्टिस को देखते हैं ना तो उसमें सर आपको कैविटी दिखाई देता है, कैविटी, और जस्ट ऐसा कैविटी होता है जैसे आप लोग ऐसे कैविटी समझिए कि एक उसमें आपको सेक्शन बना होता है, जैसे बैटरी को देखते हैं ना, पुराना जमाने का बैटरी सब देखिएगा, है ना, कभी साइकिल पंचर की दुकान पे जाए, ब्लैक कलर का कि नहीं बैटरी रहता पुराने जमाने वाला, उसमें बहुत सारा सेल बना रहता है या कैविटी बना रहता है। इवन आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ केमिस्ट्री में कैविटी, समझा रहे जब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब अगर ऐसे हम हाथ को रखें ना तो इसमें एक कैविटी ये होगा, दूसरा कैविटी ये होगा, तीसरा कैविटी, ऐसे करके बहुत सारा कैविटी दिखा देगा, सेक्शन में दिखा देता है। टेस्टिस के अंदर में बहुत सारा कैविटी है जी, ठीक है। कैविटी को इंग्लिश में लोब्यूल भी कह सकते हैं। ऐसा कैविटी 200 से 250 होता है, एनसीईआरटी में देख लो 200 से 250 कैविटी दिखा देता है सर। इस कैविटी का नाम क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से बुलाते हैं। नंबर भी याद रखो कि यहाँ पे है ना, ऐसा कैविटी जो देखते हैं इसका नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। हम लोग टेस्टिस का सेक्शनल व्यू पढ़ रहे हैं, सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का सेक्शनल व्यू देखते हैं। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या, जब सबसे अंदर का इलाका की बात किया जाए इसमें कैविटी होता है सर, दैट कैविटी इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। मुद्दा ये है सर कि टेस्टिकुलर लोब्यूल को भी सर घेरता है सर ट्यूनिका अल्बुजीनिया, ट्यूनिका अल्बुजीनिया इतना एक्सटेंड हो जाता है ये अपने आप को मॉडिफाई करता है कि पूरा इसको घेरता है। ये भी मेडिकल में पूछे हुआ है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल को कौन घेर रहा होता है सर, उसको घेर के रखता है सर आपको ट्यूनिका अल्बुजीनिया, ठीक है। इसको समझना आपको जरूरी है। और मेरे पास एक एग्जांपल अभी ऐसे ही है कि बैटरी में जो गड्ढा देखते हो ना, उस गड्ढे के चारों तरफ से आपको ट्यूनिका अल्बुजीनिया लगा रहता है जी, ठीक है। ऐसा गड्ढा कितना होगा? 200 से 300 होगा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, या 200 से 250 भी होगा तो चलेगा, है ना। इतना आपको होता है जी टेस्टिकुलर लोब्यूल, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में है ना जी आपको एक हाईली कॉइल्ड पाइप होता है या ट्यूब होता है। ट्यूब देखिए, आप लोगों का कभी साइकिल पंचर हो जाए और आपको ट्यूब कह दे लगाने के लिए, तो ट्यूब जो देखते हैं ना लपेट लपाट के लाते हैं, ठीक है, पूरा लपेट के ट्यूब रखते हैं जी, ट्यूब बोल रहे हैं। यहाँ पे दिमाग लगा कोई लड़का ये नहीं समझाना कि यहाँ पे कोई रॉड है या फिलामेंट है, ट्यूब है जी। ट्यूब मैंने सब ऐसे कुछ है ना, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है सर, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब दिखा देता है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब, ट्यूब समझ रहे हैं आप लोग? ट्यूब मतलब एक पाइप सबको नहीं मोड़ मार के रखते हैं,
जैसे आप मान लीजिए पानी का ही पाइप है और उसको मोड़ मार के रखते हैं ना, वैसे टाइप का यहाँ पे भी है, हाईली क्वाइल्ड है ना ट्यूब होता है सर। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में मिनिमम आपको सर आपको क्या होगा, एक होगा, मैक्सिमम तीन आपको क्या होगा सर, टेस्टिकुलर मतलब एक सेमिनिफेरस सॉरी मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में है ना आपको, इसका नाम क्या सर, पहले इसका नाम हम दे रहे हैं, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब के नाम से बुला रहे हैं जी, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब के नाम से बुला रहे हैं जी। ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में, ये सब बीच में जो देख रहा है सब में क्या है, ट्यूनिका अल्बुजेनिया भरा हुआ है, ट्यूनिका अल्बुजेनिया एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में भरा हुआ है सर, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप जब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखिएगा उसमें पाइप सब दिखाई देगा सर, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब दिखाई देगा, पाइप का ना या ट्यूब का ना एक ही बात हो, प्लास्टिक का पाइप जो होता है ना गार्डन में पानी पटाने वाला पाइप जो होता है वो पाइप है ना जी, और ये हाईली क्वाइल्ड होता है सर, है ना जी, हाईली क्वाइल्ड पाइप जो देखते हैं सर इसका नाम क्या रखे अभी हम लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब रखे थे नाम, सेमिनिफेरस ट्यूब है ना जी, सेमिनिफेरस ट्यूब जो देखते हैं सर। एक टेस्टिकुलर लोबिल के अंदर मिनिमम एक होता है, मैक्सिमम कितना होता है तीन होता है, एक से लेकर तीन तक होता है, रटोगे इस बात को सर, ऐसे आप बनाना चाहिए ना था आपको, क्या बना दिया आप, ठीक है, मतलब एक ट्यूब ये हुआ और ये दूसरा ट्यूब हुआ और ये तीसरा ट्यूब हुआ, ये तीनों ट्यूब जब बाहर निकलता है ना तो एक जगह पे आके मिल जाता है जी, है ना, ऐसे करके तीनों ट्यूब आकर के एक जगह पे आके ऐसे मिल जाता है जी, ठीक है। इसलिए हम ये फोटोग्राफ भी दिखाए तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, वो लड़का क्या समझेगा कि सर एक लगता है ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा पांचवा, ऐसे करते करते लास्ट में आके एक जगह पे मिल गया है जी, ठीक है। तो एक सेमिनिफेरस मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में है ना सर आपको मिनिमम एक होगा और मैक्सिमम क्या होगा है ना तीन होगा जी, ठीक है, किसी तीन से ज्यादा भी हो सकता है ना, ये एवरेज लेके चल रहे हैं, कम से कम एक तो होगा ही है ना जी, और तीन के आसपास उससे ज्यादा भी कभी कभी हो सकता है। तो सर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या पाया जाता है, हाईली क्वाइल्ड, जैसे अपने स्टूडेंट को पिछले साल कैसे समझाए थे हम, ठीक है, कि मतलब उसको जैसे नहीं कि साइकिल का टायर का जो ट्यूब होता है उसको लपेट लपाट के रखते हैं ना, वैसे लपेट लपेट करके यहाँ पे रखा गया जी, ठीक है। ये जो ट्यूब देखते हैं सर सेमिनिफेरस ट्यूब है, ये आपको कहाँ पाया जाता है, आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में, और ऐसा अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब होता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब होता है जिसमें से आपको इन ईच टेस्टिस में टेस्ट एक टेस्टिस में है ना आपको एक टेस्ट इन ईच टेस्टिस लिख देते हैं, टेस्ट मैंने एक टेस्टिस है ना, इस हिसाब से तुम मल्टीप्लाई नहीं कर देगा, 2000 हो जाएगा ना, क्योंकि दो टेस्टिस होता है ना, और हमने कहा था कि आपको एवरेज मतलब मान लिया गया 1000 तक होता है, ठीक है सर। बहुत गौर कर रहे हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब पे, देखिए तो सेमिनिफेरस ट्यूब को जैसे हम ऐसे रखे हाथ को, ये तीन ऑंगली तीन सेमिनिफेरस ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है जी। अब देखो अब बायोलॉजी में एक टर्म होता है कि जब भी दो दो मेजर टिश्यू के बीच में जो बीच में जो टिश्यू होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से बुलाते हैं। जैसे आप ये पाइप के बीच में जो देख रही है स्पेस, इस स्पेस को क्या कहोगी, इंटरस्टिशियल स्पेस। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये आपको आपको क्या था, ये था आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल, जा रहा जी तुम लोग को समझ में कुछ, और इसके बाद सर ये क्या, क्या बोले सर, क्या हुआ 1000 ये जो लिखे हुआ, देखो एक के अंदर में आपको तीन गो है, ऐसा 300 तक मिल सकता है ना, तो राउंड फिगर किए है कि कम से कम एक एक टेस्टिस में 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब होगा, एक टेस्टिस में है ना लगभग लगभग कितना होगा सर आपको 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब होगगा, इस हिसाब से दो टेस्टिस है ना हम लोग के ह्यूमन बींग में, तो इस हिसाब से क्या होगा 2000 सेमिनिफेरस ट्यूब नहीं होगा, दिमाग लग रहा है। Yes. हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेस्टिस देखे, टेस्टिस में बाहर से परत सब देख रहे हैं, ट्यूनिका भेज एनालिसिस है, अल्बुजिना है, और उसके साथ क्या विस्कुलोसा है, इसे कवर कर रहा है सर टेस्टिस को बाहर से, ये टफ कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू एकदम टफ है, इतना टफ है कि सर इसको पेनिट्रिएट कोई नहीं कर सकता, वायरस बैक्टीरिया इसके रास्ते से अंदर नहीं घुस सकता है जी, ठीक है। तो ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट कर रहा है, इवन इसका एक्सटेंशन है सर, ये बड़ा होकर के अंदर में घुस जाता है सर, मतलब टिनका वेस्कुलोसा को फार्स कर चिर करके अंदर में चला जाता है और सारे तरफ से टेस्टिकुलर लोब्यूल को घेर लेता है जी। तो अब से हम आपसे हम ये पूछा जा सकता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल को कौन कवर करता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल को भी सर आपको कवर करता है सर आपको है ना ये ट्यूनिका अल्बुजेनिया, और ट्यूनिका अल्बुजेनिया आपको जब कवर करता है सर, मान लीजिए टेस्टिकुलर लोब्यूल होता कितना है एक टेस्टिस में, इस टेस्टिस में आपको है ना आपको 200 से 250 तक होता है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में एक हाईली क्वाइल्ड पाइप दिखता है जी, ठीक है। इस हाईली क्वाइल्ड पाइप को हम क्या नाम देते हैं सर है ना, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब मिनिमम एक हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, इस फोटोग्राफ में देखो ना ये वो बनाया, आप लोगों को समझ में आ जाए,
सर आप जान बुझ के घुमा घुमा के बना रहे हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं आपके लिए हाईली क्वाइल्ड है, क्वाइल्ड माने घुमावदार है ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है सर, एक सेमिनिफेरस ट्यूब और दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में खाली जगह देख रही है, ये खाली जगह यहाँ पे जो देख रहा है खाली जगह, यहाँ पे देख रहा है खाली जगह, इस खाली जगह को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बुलाया जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से बुलाते हैं। इस खाली जगह को क्या नाम देंगे हम लोग, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसका नाम हो जाएगा आपको इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से बुलाएंगे जी, ये पॉइंट याद होगा आप लोगों को, इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से हम लोग बुलाते हैं दो सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में जो खाली जगह होता है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि सर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कोई सेल मिला, कोशिका मिला, कोई कोई सेल मिला, तो सेल को तुम क्या नाम दोगे, कॉमन सेंस लगाओ, इंटरस्टिशियल सेल नहीं कहेंगे, इंटर है ना जी, इंटरस्टिशियल सेल कह सकते हैं ना जी, कॉमन सेंस है कि जब जगह का नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस तो उस हिसाब से सेल का नाम क्या पड़ जाएगा, इंटरस्टिशियल सेल। सर इस सेल का खोज कौन किया था, है ना, फ्रेंज नाम का व्यक्ति ने खोज किया था, फ्रेंज लेडिंग नाम का व्यक्ति ने, ठीक है, फ्रेंज लेडिक नाम के व्यक्ति ने खोज किया था जी, लेडिक नाम के व्यक्ति ने खोज किया था, इसलिए इसका एक नाम और क्या पड़ गया, लेडिक सेल के नाम से पड़ गया जी, ठीक है। कितना टाइम बताया हो, तो आप जान लो कि टेस्टिस में हम लोग कभी छात्र पहले क्लास में स्टार्ट करने में बोले थे ना कि दो काम करता है, एक स्पर्म बनाता है और एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। देखिए बच्चे सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब क्या करता है, स्पर्म बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर में क्या बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब, हम एक बार और नाम लिख देते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब मेक स्पर्म, ये आपको क्या बनाता है सर, आपको स्पर्म बनाता है। और ऑब्वियसली लेडिक सेल क्या करता है, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना करके देता है जी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में लड़कों वाली बात लाने में मदद करता है ये हार्मोन। ये न दो बुंदा था हम लोग का, समझ में आ रहा है क्या जा रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। और सर जितना ज्यादा सेमिनिफेरस ट्यूब होगा उतना ज्यादा आपको स्पर्म बनेगा, जितना ज्यादा लीडिंग सेल होगा उतना ज्यादा आपको क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, सब कुछ नॉर्मल है तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लड़का को समझ में आ रहा होगा। सर सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर में स्पर्म बना, ठीक है, फिर क्या यही स्पर्म यही रह जाता है, नहीं जी आगे भागता है जी, ठीक है आगे भागता है सर, सारा का सारा सेमिनिफेरस ट्यूब बाहर की ओर निकलता है। सर गौर कीजिए कि एक स्कूल में गए पूरा क्लासरूम से सारा बच्चा सब बाहर निकलेगा ना, एक असेंबली में जमा होगा, तो सर ये जितना भी सेमिनिफेरस ट्यूब है वो सब के सब कहाँ होगा, एक खास जगह पे जाके जमा होता है, उस खास पाइप का नाम क्या है, रेटी टेस्टिस है जी, ये जो पाइप देख रहे हैं इसका नाम क्या है सर आपको, रेटी टेस्टिस, सब टेस्टिस के अंदर ही देख रहे हैं हम लोग, इसी में जाके सेमिनिफेरस ट्यूब अपना सारा स्पर्म को डाल देगा जी, सारा स्पर्म कहाँ डाल रहा है, एक डक्ट में डाल रहा है जिसका नाम क्या है सर आपको, रेटी सेल क्या बनाता है, एक बार रिपीट कर दीजिए, एक फ्रेंच लेडिक नाम के व्यक्ति ने खोजा था इसका, लेडिक सेल है ना सर, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम है, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल है, ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन जो लड़कों में लड़कों वाली बात लाता है, नहीं कहते तुमको अभी क्लास स्टार्ट होने वक्त बोले थे ना, टेस्टिस का दो काम है, टेस्टिस का क्या काम है, दो काम है, एक स्पर्म बनाना, एक स्पर्म को बनाएगा और साथ साथ क्या होगा सर आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा जी, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा जी, ठीक है, दिमाग लग रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये दोनों हार्मोन दोनों काम जो है ना टेस्टिस में कहाँ पे होता है, तो एक काम हो रहा है स्पर्म बनाने की प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर में होता है, ट्यूब के अंदर होता है, ट्यूब बोले इससे कोई लड़का ये ना धागा होगा ये समझना जी, ट्यूब है बारह बोले ट्यूब है पाइप है जी, पाइप के अंदर में आपको स्पर्म बनता है जी, ठीक है, अब पाइप के बाहर में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है जो लड़कों में लड़कों वाली बात लाने में मदद करता है जी, वो सेल जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है उसका नाम क्या है, लेडिक सेल। आगे बढ़े, हेलो समझ रहे हैं, देखो अब ये है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस क्या होता है सर, रेटी टेस्टिस क्या देखते हैं, ये सारा स्पर्म को कलेक्ट करता है सर, ये सारा स्पर्म कहाँ आता है सर, इस रेटी टेस्टिस में आता है सर, यहाँ भी रुकता नहीं है सर, यहाँ आने के तुरंत बाद अपने सफर पे निकल जाता है, टेस्टिस के अपेक्स पोर्शन पे क्या देखते हैं, एक खास तरह का आपको 15 से 20 पतला पाइप होता है, एकदम पतला पाइप होता है टेस्टिस के अपेक्स पोर्शन पे, अपेक्स पोर्शन में जो थीन पाइप होता जा रहा है, समझ में क्या बोल रहे हैं, सब समझ आ रहा है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 15 से 20 पतला पाइप होता है, उस पतले पाइप को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, भाषा इफरेंसिया के नाम से बुलाते हैं, है ना, भाषा है ना, भाषा इफरेंसिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, इफरेंसिया। अब देखिए टेस्टिस से ये बाहर आ गया जी,
है ना, भाषा रेफरेंस किया। फिर से सुनो, टेस्टिस को जूम करके देख रहे हैं और टेस्टिस को हम लोग सेक्शनल व्यू से काट करके देख रहे हैं सर। और टेस्टिस में हम लोग तीन लेयर देखे, सबसे आउटर लेयर ट्रिनिकल वेज एनालिसिस, ट्रिनिकल वेज या बीच में, सबसे अंदर में ट्रिनिकल वेसिकुलोसा। टेस्टिस के अंदर में कैविटी देखते हैं, कैविटी का नाम क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, हम यहाँ पे लिखे थे इसका नाम क्या सर आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। एक टेस्टिस के अंदर में 200 से 250 कैविटी होता है, सोचिए आप इसे, इसे बहुत ज्यादा नंबर हुआ ये, है ना, टेस्टिकुलर, है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब बहुत छोटा छोटा कैविटी बहुत सारा होगा। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में झांक के देखोगे तो इसके अंदर में आपको क्या दिखाई देगा, है ना, हाईली कॉइल्ड, एक हाईली कॉइल्ड पाइप दिखाई देगा। दैट हाईली कॉइल्ड पाइप इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब, इसको हमने क्या नाम दिए थे, सेमिनिफेरस ट्यूब। सेमिनिफेरस ट्यूब एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, बहुत ज्यादा भी हो सकता है, एवरेजली मिनिमम एक से लेकर तीन तक पाए जाते हैं। अगर आप इस सब को कैलकुलेट करना शुरू करो तो राउंड फिगर में 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब निकल जाता है एक टेस्टिस के अंदर में, है ना जी। और सारे सेमिनिफेरस ट्यूब के भीतर स्पर्म बनता होता है सर, मेल गैमिट। स्पर्म कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब के भीतर बनता है, ये भी मेडिकल में पूछा हुआ है क्वेश्चन। जब दो सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में जो खाली जगह देखते हैं ना, अगर मान ये तीन उंगली मेरा सेमिनिफेरस ट्यूब हुआ तो ये तीनों उंगली के बीच में जो खाली जगह देख रहे हो इसका नाम क्या होगा, आपको इंटरस्टिशियल स्पेस चाहिए, कॉमन सेंस है, इंटरस्टिशियल मतलब बीच का जगह, है ना। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कुछ मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल सेल के नाम से बुलाएंगे सर, ठीक है। और इस सेल का बहुत खासियत है सर, इंटरस्टिशियल सेल जो देखते हैं सर, ये सेल जो है ना, ये आपको क्या करता है सर, आपको टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, इसलिए इसका नाम लिडिक सेल भी रख दिया गया। एक साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, लिडिक नाम के व्यक्ति ने खोजा था जी, ठीक है, इसलिए नाम लिडिंग नहीं है, लेडिग है, ठीक है, आईजी होगा स्पेलिंग में, देख लेना। और ये जो आपको देख रहे हैं सर, ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। अब हम लोग फिर से पुराने जगह पे आ गए कि सर स्पर्म जो बना है इसके अंदर में, तो ये स्पर्म यही रह जाता है, नहीं, ये स्पर्म को बाहर किया जाता है, तब ना नया नया स्पर्म पीछे से बनता रहेगा, जिंदगी भर बनता रहेगा। कारण क्या है, इसके पीछे पता चल जाएगा। पर स्पर्म यहाँ से बना और कहाँ आ जाता है सर, आपको रेटी टेस्टिस में आ जाता है, और रेटी टेस्टिस में भी स्पर्म स्टोर नहीं होता है सर, ये यहाँ से भी आगे भाग जाता है सर। ये एक पतला पतला पाइप है, इस पतले पतले पाइप का नाम भाषा एफरेंसिया है, जिसकी संख्या 15 से 20 होता है जी, ठीक है। इस भाषा एफरेंसिया से एक बड़ा सा पाइप बनता है सर, एक बड़ा सा पाइप निकलता है, और उस पाइप का नाम क्या है, इपीडाइडामिस है सर। इस पाइप का नाम क्या देते हैं हम लोग, इपीडाइडामिस के नाम से बड़ा, ये भी पाइप है सर, पाइप है ना, इसका नाम क्या होगा, इपीडाइडामिस, ठीक है जी। अगर आप इसको गंदा मानते तो इसको ऐसा फोटोग्राफ होगा जी, ठीक है, इस तरह से टेस्टिस बनाया ना, और टेस्टिस में इधर से आपको यहाँ इपीडाइडामिस निकला था, ये ऐसे करके इपीडाइडामिस है ना, ये जो देख रहे हो रीजन, इसका नाम इपीडाइडामिस है, ठीक है। और इपीडाइडामिस खुद में क्वाइल पाइप है, क्वाइल पाइप, ऐसा पाइप जो लपेट लपाट के रखा गया है सर, ठीक है, मतलब ये इपीडाइडामिस भी पाइप है जी, समझा रहा ना, ये सारा पाइप एक जगह खुला है, और ये बड़ा सा पाइप जो देख रहे थे ये अपने में घुमा घुमा करते हैं सर, ठीक है, देखने के लिए हम आपको लग रहा है कि ऐसे, लेकिन ये पूरा पाइप घुमा हुआ है सर, है ना, इपीडाइडामिस, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड पाइप है, बड़ा पाइप है ना, और ये हाईली क्वाइल्ड होता है सर, ठीक है जी। अगर इसको हम लोग है ना, अगर नापने जाओगे ना, और ये क्वाइल्ड पाइप को ऐसे नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर का होता है, कुलर का दिमाग लगा लिया, जितना बड़ा टेस्टिस होता है उतना ही बड़ा इपीडाइडामिस होता है जी, ठीक है। लेकिन इसको तुम नमारेगा, इसको पूरा फैला देगा तो 6 मीटर तक जाता है, ठीक है, मतलब इपीडाइडामिस का एक्चुअल लेंथ कितना है जी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ इपीडाइडामिस, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, इपीडाइडामिस नाम रखे थे। और इपीडाइडामिस का क्वाइल्ड फॉर्म में देखा जाए तो 4 सेंटीमीटर होता है सर, लपेट लपाट के रखेगा तो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, लेकिन इसको जब फैला दोगे तो 6 मीटर का हो जाता है ये, 6 मीटर सोचिए ना, या 6 मीटर का होता है, या 6 क्या लिखे थे हम लोग, क्वाइल्ड फॉर्म में, क्वाइल्ड स्टेट में कितना होगा, क्वाइल्ड स्टेट में 4 सेंटीमीटर का होगा जी, ठीक है, क्वाइल्ड स्टेट में कितना सेंटीमीटर दिखा देगा, 4 सेंटीमीटर। और इसको जब हम लोग एक्सटेंड करके देखेंगे तो ये कितना होगा सर आपको, ये आपको 6 मीटर का आपको हो सकता है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। अब इपीडाइडामिस का क्या काम है, ये स्पर्म को स्टोर करता है जी, ठीक है, ये स्पर्म को 1 महीना तक स्टोर करके रख सकता है जी, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई लड़का 14 साल की उम्र में उसने स्पर्म बनना शुरू हो गया, तो उसका सेक्सुअल लाइफ 20-25 साल के बाद शुरू होगा, या 20-21 साल की उम्र में शुरू होगा जी, ठीक है। सेक्सुअल लाइफ का मतलब क्या, उसका शादी वगैरह तो 21 साल के बाद ही होगा, 21वें ईयर में होगा। तो पॉइंट ये कि सर जितना भी स्पर्म बनता है वो सारा स्पर्म कहाँ स्टोर होता है, इसके अंदर में, इपीडाइडामिस के अंदर में स्टोर होता है सर। और इपीडाइडामिस में कितना दिन के लिए स्टोर रहता है सर, 1 मंथ के लिए रहता है जी, ठीक है, कुछ किताब 7 दिन भी लिखता है जी, ठीक है, 7 डेज के लिए, लेकिन आप लोग इसको 1 मंथ याद रखिएगा, हम बोल रहे हैं 1 मंथ, है ना जी। पर एलन उनका बुक पढ़ो ना, शायद उसमें 7 दिन लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं, उससे 1 मंथ होता है, हम बोल दिए तो 1 मंथ ही होता है। तो 1 मंथ तक रखते हैं
लेकिन कोई 7 दिन में लिख देगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं है, बोर्ड में तो दोनों थ्योरी चल जाएगा, पर नीट में क्या चलेगा, 1 मंथ वाला थ्योरी चलेगा जी, ठीक है। इसके अंदर में 1 मंथ तक जमा होता है जी, ठीक है। अगर नोट्स में 7 दिन लिखा हो तो उसको 1 मंथ कर लेना। तो 1 मंथ तक क्या होता है सर, आपको ये स्टोर करके रखता है सर आपको क्या है ना, स्पर्म को जी, ठीक है, कौन एपिडर्मिस। चलिए सर, 1 महीना बाद क्या होगा सर, 1 महीना बाद स्पर्म मर जाएगा सर, स्पर्म मर करके इसी में गल फल करके हट जाएगा जी, ठीक है। मतलब तो ना नया जगह बनेगा जी, फिर से पीछे से जो स्पर्म आ रहा होगा ये हर सेकंड में आ रहा होता है स्पर्म, ठीक है जी। मतलब कहा जाता है 1 दिन में 3 से 4 ml स्पर्म बनता है जी, ठीक है। 3 से 4 ml मतलब क्या, 20 से 30 करोड़ स्पर्म बनता है 1 दिन में जी, ठीक है। तो सर 1 दिन में यहाँ बनेगा तो इसे भरते जाएगा ना 1 दिन, अगर ये नहीं मरेगा अलाइव रहेगा जिंदगी भर के लिए स्पर्म। स्पर्म क्या एक तरह का सेल है, ये जिंदगी भर के अलाइव रहेगा तो सर 1 दिन डिपोजिशन होगा, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा नीचे पीछे से रास्ता ना मिलने के कारण, ठीक है, जगह नहीं मिल जाता, यहाँ चोट से लगने से क्या ये सब सेल कर जाएगा ना ये पूरा। तो सर इसमें स्पर्म स्टोर होता है, जब स्पर्म का लाइफ 30 दिन का हो जाता है तब यहाँ मर जाता है। अगर नहीं उस दौरान ही लड़का सेक्सुअली एक्टिव हो गया है ना, सेक्सुअली आपको नीचे एक्टिव है ना, उसका कोई पार्टनर है, ये सारा स्पर्म क्या होगा आगे की ओर भाग जाएगा, ठीक है, इधर की ओर निकलना शुरू हो जाएगा, इधर से बाहर की ओर निकल जाएगा सर, ठीक है। इसका नाम क्या है, पतला सा पाइप का नाम है भास डिफरेंस, है ना जी, भास डिफरेंस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। कुछ कुछ तो समझ में आया होगा जी, कुछ कुछ ऊपर से भी गया होगा, है ना जी। हम फिर से एपिडायनामिक्स की बात करते हैं। एपिडायनामिक्स में स्पर्म स्टोर होता है, 1 मंथ के आसपास में स्पर्म स्टोर होता है जी। आफ्टर 1 मंथ है ना जी, दे आर ना जी, आपको लिखा आपको दे आर आपको डाइजेस्टेड बाय द WBC, WBC आके सबको गला करके खत्म कर देता है। देखिए हम आपको बताएंगे इसमें छात्र में अभी आपको WBC का रोल। और सर जब मान लीजिए सर नहीं ऐसा नहीं हुआ, 1 महीना के अंदर में ही सर वो क्या होगा, वो लड़का एक्टिवेटेड है मतलब है ना, उसका सेक्सुअल पार्टनर सब है, तो वो सारा स्पर्म क्या होगा आगे क्यों निकलना शुरू करेगा सर, ठीक है। और आगे के निकल के भास डिफरेंस वाला रास्ते में आएगा। अब भास डिफरेंस के रास्ते होते हुए सर बाहर की ओर निकल जाएगा, बॉडी से बाहर नहीं, मतलब जब भास डिफरेंस में स्पर्म आ गया ना सर, इसका मतलब वो बॉडी से बाहर जाएगा ही जाएगा, इसके बाद पीछे नहीं आ सकता है, ठीक है। इसको हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहेगा और बॉडी से बाहर हो जाएगा जी, ठीक है। और फिर से नया स्पर्म यहाँ पे अपना जगह ले लेगा जी। दो सिचुएशन हुआ ना जी, ठीक है। अगर कोई लड़का आपको भी मैरिजेबल एज में नहीं है, 14 से लेके 20-25 साल के बीच में है, तो उसके अंदर में स्पर्म यहीं पे स्टोर होता रहेगा जी, ठीक है। लेकिन सर उसका मैरिजेबल एज है, ठीक है, वो मैरिज कर चुका है या सेक्सुअली एक्टिव है या सेक्सुअली आपको फीलिंग में है, ठीक है, तब उसके अंदर का सारा स्पर्म यहाँ से बाहर आएगा, इधर से आपको क्या होगा बाहर की ओर निकल जाएगा जी, ठीक है। ये बात समझा दिए जी, बोर्ड पे जो बात है, ठीक है, उसमें एपिडर्मिस का रोल हम समझा रहे हैं आपको, स्पर्म को स्टोर करता है जी, ठीक है। अब इसी को हमने ये भी कहा था कि आपको एपिडर्मिस क्या होता है, 4 सेंटीमीटर का ये पाइप है जी, ठीक है, जिसके अंदर में क्या देखते हैं, स्पर्म स्टोर रहता है जी, ठीक है। दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है सर, आपको एपिडर्मिस में 3 रीजन होता है सर, एपिडर्मिस में क्या देखते हैं, 3 हिस्सों में ये बटा होता है जी, ठीक है। जब आप एपिडर्मिस को देखिएगा टेस्टिस के रिस्पेक्ट में, ये 3 हिस्सों में बटा होता है जी, ठीक है। और जैसे हम लोग कभी कैप लगाते हैं ना, कैप तो कैप का माथा में लगाते हैं, पैर में थोड़े लगाते हैं, ठीक है जी। तो सर एपिडर्मिस में भी 3 रीजन होता है जी, कलर पेन का इस्तेमाल किया, एपिडर्मिस का फोटोग्राफ बना रहे हैं हम ये। एपिडर्मिस कितने लेयर का होता है सर, आपको 3 लेयर का होता है, उसमें सबसे ऊपर का जो लेयर देखते हो इसका नाम है कैप आउट, कैप आउट है ना जी। आप लोग इसको कैप अप करके याद कर लीजिएगा तो याद रहेगा, कैप माने ऊपर होता है ना, कैप माने टोपी, टोपी का ऊपर। तो एपिडर्मिस का ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं, कैपट के नाम से लाते हैं, कैपट एपिडर्मिस दिख रहा है बोर्ड, एपिडर्मिस। और बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं उसका नाम क्या पड़ेगा सर आपको, बीच का हिस्सा नाम कॉर्पस, कॉर्पस एपिडर्मिस। और नीचे वाला हिस्सा का नाम काउदा, काउदा के नाम से बुलाते हैं। ये भी नोट करिए, ये भी एनसीआर नोट्स में हम लिखना भूल गए, नोट्स में से लिखे हुए लास्ट पेज में लिखा हुआ है कहीं पे। अब काउदा ही जुबर्नाकुलम बना रहा था, क्लास आज स्टार्ट हुआ था याद कीजिए, काउदा का काम क्या होता है, जुबर्नाकुलम बना के देता है सर, है ना। जुबर्नाकुलम वही जो है ना आपको टेस्टिस को स्क्रोटम के दीवार से चिपकाने में मदद करता है। अभी क्लास नहीं शुरू किए थे तो नहीं कहते ये एब्डोमिनल है, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम में टेस्कुलरिस मस्कुलरिसिस या वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा वेस्कुलोसा की है। इसके अंदर में सेक्शन बना हुआ था जिसका नाम क्या रखे थे हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और आप लोग को आउट ऑफ सिलेबस जाके ये पूछ सकता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल किससे घिरा रहता है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल भी आपको घिरा रहता है सर, आपको ट्यूनिका है ना, आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल ऑल्सो कवर विथ है ना आपको ट्यूनिका अल्बुजिना, ये भी आपको ट्यूनिका ही अल्बुजिना का ही मॉडिफिकेशन से घिरा रहता है। इसके अंदर में हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब होता है, ये भी आप लोग बनाइएगा, बिहार बोर्ड लड़का से बना के दिखाइएगा फोटोग्राफ इसका, है ना, आपके नोट्स में भी है ना, या चाहे कहीं से भी ला करके आप बनाइए इसका, आपको फोटोग्राफ 5 नंबर में कहीं पूछ दे, ये होमवर्क रहा आप लोगों के लिए। ये आपको क्या रहा, आपको ये सेमिनिफेरस ट्यूब, सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में आपको जो सेल सब पाया जाता है उसका नाम लिडिक सेल नाम रखे थे हम लोग, लिडिक सेल। इसमें हम लोग क्या नाम रखे थे हम लोग, लिडिक सेल।
सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में जो देखते हैं सेल सब, उसका नाम क्या है? लिडिक सेल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब स्पर्म बनाता है, ये कहाँ लाता था? एपिडाइडाइमिस में, सॉरी रेटिकस में लाता था। बना के ग्रुप में डालना है? ग्रुप में नहीं डालिए, हमको भेज दीजिए, ग्रुप में डालो कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेंगे, चेक करना है, फोटोग्राफ बनाना है आप लोगों को इसका। और हमने कहा था कि आपको कि सारा सेमिनिफेरस ट्यूब एक साथ मिल करके कहाँ खुलता है? रेटिटेस्टिस में खुल रहा होता है जी। रेटिटेस्टिस में जो स्पर्म आता है सर, तो सर यहाँ स्पर्म नहीं चलता है, ये आपको चलाता कौन है इसको? आपको पेरिस्टाल्सिस वेव से रेटिटेस्टिस को चांपता है, रेटिटेस्टिस इसको ऊपर की ओर भेजता है सर। और ऊपर की ओर में यहाँ पे क्या पतला पतला पाइप है, ये पाइप समझना सब लड़का। इस पाइप का नाम भाषा इफरेंसिया रखे थे, नीट 2016 या 17 में क्वेश्चन है सब, भाषा इफरेंसिया। और भाषा इफरेंसिया जो देखते हैं, यहाँ से आपको एक डक्ट आता है सर, जिसका नाम एपिडाइडाइमिस है सर। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? एपिडाइडाइमिस। इसका नाम था भाषा इफरेंसिया, इसका नाम था भाषा, यहाँ लिख नहीं रहा तो यहाँ लिख देते हैं, भाषा इफरेंसिया, भाषा इफरेंसिया, ये सब याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद इसका नाम क्या रखे थे हम लोग? एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। और उसके बाद क्या होगा सर आपको? आगे जाके पतला पाइप हो जाएगा, एपिडाइडाइमिस थोड़ा मोटा रहता है, ये पतला पाइप हो जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा? भास डिफरेंस, भास डिफरेंस, भाषा इफरेंसिया इसका नाम था, इसका नाम भास डिफरेंस है, भास डिफरेंस एक ही तो है ना, जबकि भाषा इफरेंसिया 15 से 20 था जी। मेरा अब एक क्वेश्चन बस इतना सा है कि बताइए स्पर्म का पाथ, आप लोग देख के बोर्ड का बताइए कि स्पर्म का क्या रास्ता है, स्पर्म का पाथ क्या होगा जी? सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब होगा क्या? यस सर। सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब होगा, रेटिटेस्टिस। उसके बाद क्या? रेटिटेस्टिस होगा, रेटिटेस्टिस होगा। उसके बाद भाषा इफरेंसिया, भाषा इफरेंसिया, एपिडाइडाइमिस। उसके बाद क्या? एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस के लास्ट में क्या होगा सर? भास डिफरेंस। देखो 2017 का क्वेश्चन है ना, भास डिफरेंस, बीडी लिख देते हैं है ना, यही स्पर्म का पास, याद रखना आप लोग। रहने दीजिए, इसके आगे कल देखेंगे, कल हम लोग सेमिनिफेरस एपिडाइडाइमिस का नाम देखेंगे। एपिडाइडाइमिस के तीन नाम है, एपिडाइडाइमिस को तीन, ऊपर का नाम कैपर्ट है, कैपर्ट, कैपर्ट, दोनों नोट्स में भी लिखे हैं। कैपर्ट का मतलब क्या? कैप, कैप लगा हुआ, कैपर्ट, इसको नाम देते कैपर्ट। इसका नाम, बीच का नाम है कॉर्पस, इसका नाम है सर काउदा, काउदा, काउदा ही सर आपको जुबर्नाकुलम बनाता है, जिसकी मदद से वो स्क्रोटम से चिपका देता है टेस्टिस को, है ना जी। काउदा का काम होता है, यहीं से एक चिपचिपा लेयर निकलता है आपको, फैट का लेयर निकलता है, जो जिसका नाम जुबर्नाकुलम था, जुबर्नाकुलम, ठीक है। कोई बात है और? नहीं तो हो गया क्लास तीन, कल मिलते हैं, कल हम लोग कल सेमिनिफेरस ट्यूब पढ़ेंगे, और कल हम लोग मेल एसेसरी डक्ट और मेल एसेसरी ग्लैंड देखेंगे जी। कल का क्लास भी इम्पोर्टेंट होगा सर। इसमें कौन सा WBC आके स्पर्म को डाइजेस्ट करता है? वही मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सब जगह मैक्रोफेज रहता है, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल, यही दो WBC है। कल बताएंगे उस पे, कल उस पे चर्चा करेंगे, है ना आपको, कल हम बताएंगे आपको ये क्या नाम है, जब कोई WBC किसी टिश्यू में घुसता है ना, तो इस घटना को डाइपेडेसिस कहते हैं, डाइपेडेसिस। कल की क्लास में डील करेंगे सब कुछ, ठीक है, चलिए रहने दीजिए, तो कल देखेंगे, है ना, इसको पढ़िएगा सब आदमी, ठीक है, ठीक है, जाओ। क्या नोट पैसा लाना? पहले पैसा एक ही तो दे पाएंगे अभी, देखिए एक ही मिलेगा, एक ही तो है, बोले दो उस दिन कल नहीं, ठीक है, हमका अच्छा पैसा देगा नहीं यार, रखने के लिए बोलिए पैसा दो रहे ना, ना ये वो कल ले लेना।